हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई नया क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर आता है, उसे सबसे पहली प्रॉब्लम यही होता है कि उसे टॉपिक ही नहीं मिलता है। उसके दिमाग में तो बहुत सारे टॉपिक रहता है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो 8-10 वीडियोस बना लेता है, लेकिन उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है और वो यही सोचते रह जाता है कि आखिरकार मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और वो गूगल, इंटरनेट यहाँ वहाँ करते रहता है और उसे टॉपिक मिलता ही नहीं है। जिस तरह से 8-10 दिन निकल जाता है और उसका चैनल जो है वो धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो 2-4 दिन में एक टॉपिक ढूंढता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करता है, फिर 2-4 दिन लगाता है, फिर ये वीडियो अपलोड करता है। ऐसे में उसका जो भी ऑडियंस बना रहता है वो धीरे धीरे उसे छोड़ने लग जाते हैं, उनका ट्रस्ट जो है उससे खत्म होने लग जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और आपको भी टॉपिक नहीं मिल रहा है अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टॉपिक ढूंढ सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको टॉपिक फाइंड करना है जिससे आप रेगुलर वीडियो अपलोड कर सको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका एकदम इजी तरीका है। आपको क्या करना है, जिस भी कैटेगरी के आप वीडियो बनाते हो उन कैटेगरी के बड़े बड़े क्रिएटर्स को आपको फॉलो कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं टेक कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो मैं मनोज डे, टेक्निकल योगी, टेक्निकल इसराज, जुन्नू के टेक, इस तरह के बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैं फॉलो करके रखता हूँ। और जब भी वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज अपलोड करते हैं तो मैं उनको वीडियोज को देखता हूँ। उनको वीडियोज को देखने के बाद उन्हीं से आइडिया लेकर के अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ। कोई से भी वीडियो वो लोग अपलोड करते हैं, मेरे पास अगर कोई अलग से टॉपिक नहीं रहता है तो सेम टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बस मेरा तरीका अलग होता है। जो बड़े क्रिएटर जिस चीज़ को नहीं बता रहते हैं उस चीज़ को मैं अपने वीडियो में इम्प्रूव करके दिखा देता हूँ, अपनी इम्प्रूव करके बताता हूँ, जिससे ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए और जिस चीज़ को वो लोग पूछना चाहते थे उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको अपने कैटेगरी से रिलेटेड बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर लेना है और उन्हीं की वीडियो को आपको कॉपी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तरीका आपका अलग रहना चाहिए। दूसरा तरीका भी आपको अपने कैटेगरी के क्रिएटर से ही मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आप सब लोगों को पता होगा ही कि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो हफ्ते में एक दिन Q&A करते ही करते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्रिएटर हो, एक दिन हफ्ते में Q&A करते ही करते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं अपने ऑडियंस से, तो वहाँ पे जो ऑडियंस होता है वो मनोज डे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये चीज़ हमारे व्यूज़ नहीं आ रहा है, या फिर हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो वहाँ से आपको हज़ारों टॉपिक मिल जाएगा, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर होते हैं उनको फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आप उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर वीडियोज़ बनाओगे तो वो लोग आपकी वीडियोज़ को आकर के देखेंगे, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है, तो आपको वहीं से भी बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो तीसरा तरीका के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा सोशल मीडिया में। जैसे कि मान लीजिए आप टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल इसरार, मनोज डे, जुन्नू की टेक, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को फॉलो करके रखे हो। यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी के बता रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, उसको फॉलो करके रखो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्रिएटर को नहीं देखना है, लाइक आपको सिर्फ मनोज डे की ही वीडियो को नहीं देखना है, आपको टेक्निकल इसरार का भी वीडियो देखना है, आपको जुन्नू के टेक के वीडियो को भी देखना है, आपके टेक्निकल योगी के भी वीडियो को देखना है। उसके साथ ही साथ अगर कोई छोटा क्रिएटर, यानी कि छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन सब्सक्राइबर बेस जिसका कम होता है उसके भी वीडियोज़ को देखना है। अगर आपको रिकमेंड में आ जाता है और आपके कैटेगरी से रिलेटेड वो वीडियो होता है तो आपको देखना है कि वो किस तरह से वीडियोस बनाता है, किस टॉपिक को फाइंड करता है। तो उसके वीडियोस को देख करके भी आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह से वीडियोस बनाना है और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। ये तीसरा तरीका हो गया। और बात करते हैं चौथा तरीका की। तो चौथा तरीका के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको कोई भी समाज के वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, आधा से एक घंटा आपको न्यूज़ में देना होगा, जिससे आपको रोज़ के रोज़ 10-15 टॉपिक मिल जाएगा जिससे आप वीडियोज़ बना सकते हो। बात करते हैं पाँचवा टॉपिक की। तो पाँचवा टॉपिक के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल लगभग हर एक यूट्यूबर करता ही करता है, और उस एप्लीकेशन का नाम है VidIQ। VidIQ एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आपको डेली के 3 आइडियाज मिल जाते हैं। VidIQ एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना है, यह YouTube से ही सर्टिफाइड है, कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और आपको इसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है जिस जीमेल अकाउंट में आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि आपको रोज डेली के 3 आइडियाज देखने को मिल जाएंगे, वो भी आपके कैटेगरी के रिलेटेड ही वीडियोस आएगा, जिसे खुद वो सजेस्ट करेगा कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, ये आपके चैनल के लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको इस तरह से 5 तरीक़े से आप टॉपिक ढूंढ सकते हो, और इन 5 तरीक़ों से अगर आप टॉपिक ढूंढोगे तो आपको डेली से 4-5 टॉपिक तो आराम से ही मिल जाएगा।
तो आई होप अब आप सब लोगों को वीडियोस बनाने के लिए इधर उधर टॉपिक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बस आपको जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीका को अप्लाई कर रहा है, जिसके बाद आप देखोगे कि आपके पास टॉपिक का भंडारा लग जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेजबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।